परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। Always try to go on a right path। हमेशा कोशिश कीजिए कि सच्चे रास्ते पर चले। वेलकम टू माई चैनल स्केल आउट क्लासेस, आई एम संजय। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को नैरेशन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले नैरेशन का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये नैरेशन का पार्ट टू है, वो पार्ट वन था, ये पार्ट टू है। उस वीडियो में हम लोगों ने नैरेशन को डिटेल में जाना था, नैरेशन कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, उसका रूल क्या है, तो ये सब हम लोगों ने जाना था उस वीडियो में। जिन लोगों ने हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, नैरेशन से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो है उनको नहीं देखा है, तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जब तक आप नैरेशन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को समझने के लिए हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो देखना बहुत ही जरूरी है। ये नैरेशन का सीरीज चल रहा है, राइट। नैरेशन में जितने भी रूल होंगे सब आप लोगों को बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, सब में जो है नैरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। इसलिए आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और आई गारंटी इट दैट यू विल कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वेरी इजीली, राइट। बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, जैसे आप लोगों को ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, क्लास में बताया जाता है, उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप टोटल रूल्स आप लोगों को बताए जाएंगे, राइट। सो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज टू गेट माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स यू विल नीड टू गेट नोटिफिकेशन, राइट। एंड नॉट टू फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, राइट। एंड यू ऑल्सो हैव टू शेयर माई वीडियोस, लाइक एंड कमेंट टू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, पिछले वीडियो में नैरेशन का जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ा था, वो रूल अलग है, और ये है चेंज ऑफ टेंस। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के तीन रूल होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ पर्सन हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस, राइट। तो चेंज ऑफ टेंस का क्या है, कुछ रूल देख लेते हैं। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब मींस क्या, इनवर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में एक वर्ब होता है, तो ये वर्ब हो गया हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज ऑफ पर्सन में हम लोगों ने देखा था रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में, राइट। और चेंज ऑफ टेंस में रहेगा पास्ट टेंस में, ओके। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जो हम लोग चेंज करेंगे तो उसके टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, मींस इंपॉर्टेंट फॉर्म्स के भीतर जो ये सेंटेंस रहेगा इसके टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा, किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, मींस चेंज करेंगे, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, राइट। ये नहीं सोचिएगा कि सर बोल दिए कि ऐसे चेंज होगा और किस प्रकार से चेंज करेंगे, ये तो आप लोग जान नहीं पाएंगे जब तक हम बताएंगे नहीं, सब बताया जाएगा, राइट। चलिए, और इनवर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था चेंज ऑफ पर्सन में भी इनवर्टेड कॉमास के बदले दैट देंगे, और इसमें भी इनवर्टेड कॉमास के बदले दैट ही देंगे। और जो नियम है बाकी के रूल वो चेंज ऑफ पर्सन में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी टाइप का होगा, राइट। चलिए, तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, फिर आगे हम लोग हम बताएंगे आपको। जैसे देखिए ही, और हम लोगों ने देखा है कि सेड रहेगा तो क्या लिखेंगे, सेड। प्रीवियस वीडियो में बताया गया है इंपॉर्टेंट कॉमा के बदले क्या देंगे, दैट। फिर आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही। इज आने में रहेगा तो वाज वेयर में बदलेंगे, तो ही के साथ वाज और ये। तो ये तो मैंने बहुत ही आसानी से बदल दिया, लेकिन आप लोग यदि नहीं पढ़े हैं तो आप लोग नहीं बदल पाएंगे, राइट। तो देखते हैं रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो इनवर्टेड कॉमास के भीतर जो टेंस होगा उसको कैसे बदलेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनवर्टेड कॉमास के भीतर यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होगा उसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। यदि प्रेजेंट इम परफेक्ट टेंस में दिया हुआ रहे तो उसको बदलेंगे पास्ट इम परफेक्ट टेंस में,
यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ रहे तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ रहे तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और यदि पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ रहे तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। मींस पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ रहेगा इनवर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, यदि पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ रहेगा तो उसको पास्ट इंपरफेक्ट में नहीं बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। इसको याद रखना पड़ेगा, है ना, आपको अपने दिमाग में इसको सेट करना पड़ेगा। ओके चलिए और देखते हैं फिर, यदि पास्ट इंपरफेक्ट टेंस में दिया हुआ रहेगा तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, राइट। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो नो चेंज, मींस यदि डायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस है यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ रहेगा तो उसके जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में, तो टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इनवर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस रहेगा उसके टेंस में कोई चेंज नहीं रहेगा, तब जब पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा तब, राइट। लेकिन पर्सन हम लोग चेंज करेंगे, पर्सन तो सारा नरेशन में चेंज होगा, नरेशन के जितने भी रूल्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें पर्सन तो चेंज होंगे, डेफिनेटली होंगे, राइट। चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहेगा तो उसमें भी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखिए, इस आरए में यदि रहेगा इनवर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होगा डायरेक्ट स्पीच में, यदि इस आरए में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होगा उसको बदलेंगे वाज वर्ब में, राइट। वाज वर्ब में रहेगा तो बदलेंगे हैड बीन में, हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन में रहेगा तो डबल हैड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन इसमें रहेगा तो बदलेंगे हैड हैड टू प्लस वर्ब वन, राइट। सिंगल हैड रहेगा तो डबल हैड कर देंगे, ओके। यदि हैड प्लस नाउन में दिया हुआ रहेगा तो उसको भी बदलेंगे हैड हैड प्लस नाउन में, कैन में दिया हुआ रहेगा तो कुड, मे रहेगा तो माइट, सेल या विल रहेगा तो शुड वुड में बदलेंगे, शुड या वुड में, कुड शुड माइट वुड यदि ये दिया हुआ रहेगा तो उसको नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगा, राइट। तो हम लोग समझ गए कि यदि डायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कॉमास के भीतर इस तरह का टेंस रहेगा, मतलब ये रूल वाला रहेगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस रूल में बदलेंगे, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब। इस बात को ध्यान जरूर रखिए। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से समझेंगे कि इसको बदलते कैसे हैं, राइट। सो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ओके। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, और ये डायग्राम आप लोग को याद होगा जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, नरेशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि इस वीडियो ये जो डायग्राम है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, राइट। चलिए इसी डायग्राम पे जो है डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलेंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो सेंटेंस है ही सेड आई एम इल। देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, चेंज ऑफ पर्सन में हम लोगों ने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, राइट। तो अब बनाएंगे इसको ही सेड। अब देखिए सेड है तो सेड ही लिखेंगे, बता दिया गया है ना कि जब सेड रहेगा तो सेड लिखेंगे, सेड टू रहेगा तो टोल्ड लिखेंगे, राइट। देखिएगा प्रीवियस वीडियो में उसमें जिक्र किया गया है, इंपॉर्टेंट कमांड के बदले क्या देखेंगे, क्या देंगे, दैट, ओके। अब बदलते हैं पर्सन, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हो गया कौन, ही, तो लिखेंगे ही। अब देखिए इज आर में रहेगा तो किसमें बदलेंगे उसको, वॉज वर्ड में। देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो इंपॉर्टेंट कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होगा उसमें टेंस में परिवर्तन करते हैं, उसमें यदि इज आर एम रहेगा तो उसको वाज वेयर में बदलेंगे। देखिए अभी रूल में भी बताया गया था और आपके डिस्प्ले पे भी दिखाया जा रहा है कि इज आर एम में रहेगा तो उसको हम लोग बदलेंगे किसमें, वाज वर्ब में, राइट। तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, वाज लिख दिए, ओके। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, राम सेड, सॉरी सेड टू मी, टू मी होगा, टू मी। अब इसको बदलते हैं, देखिए यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तो हो जाएगा राम सेड टू के बदले क्या देते हैं, टोल्ड। ये सब बताया गया है, यदि आप नरेशन को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो हमारा नरेशन का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, ओके। तो सेड टू के बदले लिखेंगे टोल्ड, फिर मी इनवर्टेड कॉमा के बदले देंगे दैट, राइट।
आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ये सब फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, राम। तो क्या लिखेंगे कि अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, तो टीच का वर्ब टू हो जाएगा टॉट। हिम कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिम का हिम लिख देंगे, राइट, है ना, आसान। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो सेंटेंस है सीता सेड टू हिम आई हेल्प यू। अब इसको बदलेंगे तो वो हो जाएगा क्या, सीता सेड टू के बदले क्या देंगे, टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, फिर लिखेंगे हिम इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या देंगे, दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हो गया क्या सीता, तो सीता के बदले प्रोनाउन लिखेंगे क्या सी। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू कौन सा टेंस, पास्ट इन डेफिनिट, तो पास्ट इन डेफिनिट में रहेगा तो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। रूल में भी बताया गया है और आप देख रहे हैं कि पास्ट इन डेफिनिट में रहेगा तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो सी पास्ट परफेक्ट का रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, तो हेल्प का वर्ब थ्री हेल्प, हेल्प और यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, सॉरी ऑब्जेक्ट है हिम, तो लिख देंगे, राइट, है ना, आसान। चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है दे सेड टू मी वी वर योर फ्रेंड्स, ओके। तो ये है क्वेश्चन, आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है और मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, राइट। आप लोग कमेंट कीजिएगा और मैं आपके आंसर को चेक करूंगा और फिर रिप्लाई भी करूंगा, राइट, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। टिल देन